आज के वीडियो में जानेंगे डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, क्या एप्लीकेशंस हैं उनके और आपके लिए कौन सा ठीक रह सकता है, तो देखते रहिए। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दर्शित नायक। मैं हूं एक इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोडक्शन फ्रीलांसर, अहमदाबाद गुजरात से। तो चलिए आज के वीडियो में पहले जान लेते हैं कि टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है कंडेंसर माइक और डायनेमिक माइक के बीच में, और उसके बाद में मैं आपको मेरे पास जो डायनेमिक और कंडेंसर माइक अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंडेंसर माइक मेरे पास है रोड NT1 है जो मेरे पीछे रखा हुआ है, और डायनेमिक माइक मैं जो यूज करता हूं वो है ये SM58 फ्रॉम श्योर। तो दोनों में रिकॉर्ड किए हुए सैंपल्स मैं आपको सुनाऊंगा मेरी आवाज के, उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है टेक्निकल डिफरेंसेस डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक के बीच। तो दोस्तों, इन दोनों माइक्स के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो उनके अंदर किस टाइप का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, उस चीज का। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो अपने केस में हुआ अकूस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पहले बात करते हैं डायनेमिक माइक्स के बारे में। ये नाम कहाँ से आया है डायनेमिक? डायनेमिक नाम आया है डायनेमो पे से। डायनेमिक माइक्स के अंदर जो असेंबली है उसको आप कंपेयर कर सकते हो डायनेमो के साथ, जहां पे एक वायर कॉइल और एक मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल से साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए असेंबली समझते हैं डायनेमिक माइक्स की। एक मेम्ब्रेन होती है, उसके पीछे लगी होती है एक वायर की कॉइल, और होता है एक परमानेंट मैग्नेट जिससे जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को चारों तरफ से घेरे होता है। जब हमारी आवाज मेम्ब्रेन को छूती है तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से वो कॉइल भी वाइब्रेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल के मोशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। क्योंकि इनकी डिजाइन इतनी सिंपल होती है इस वजह से ये इकोनॉमिकल होते हैं, और इसके साथ साथ ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के चेंजेस भी झेल सकते हैं, और एक्सटर्नल पावर की भी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से ये सारी क्वालिटीज इनको स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आइडियल चॉइस बनाती है। अब बात करते हैं कंडेंसर माइक के बारे में। कंडेंसर माइक का नाम कहाँ से आया? कंडेंसर माइक के अंदर की जो असेंबली है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बैक प्लेट और एक मेम्ब्रेन का कॉम्बिनेशन, इसे इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में कैपेसिटर भी कहते हैं, और पुराने दिनों में कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये है कंडेंसर माइक्स के नाम का ओरिजिन। कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब ये एलिमेंट चार्ज्ड होता है मेम्ब्रेन के यानी कि डायफ्राम के और जो बैक प्लेट है उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जब अपनी आवाज टकराती है डायफ्राम से तो उस वक्त जो स्पेस होती है डायफ्राम के और बैक प्लेट के बीच उसमें वेरिएशन जो क्रिएट होता है उससे जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस एलिमेंट के अलावा एक एडिशनल सर्किट की भी जरूरत पड़ती है कंडेंसर माइक्रोफोन्स में, जो कि कैपेसिटर से जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल आउटपुट को नॉर्मल जो हमारे माइक इनपुट्स आते हैं उनके लिए यूज करने लायक बना सके। और उस सर्किट के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई हो, जैसे कि फैंटम पावर। और इसी एक्स्ट्रा कंपोनेंट की वजह से आप देखोगे काफी सारे कंडेंसर माइक्स में अपना खुद का एक इंटरनल नॉइज होता है, और कंडेंसर माइक्स का डिजाइन डायनेमिक माइक्स के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से जनरली देखा जाता है कि कंडेंसर माइक्स थोड़े कॉस्टली होते हैं। उसके साथ साथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं वो ये झेल नहीं सकते, लेकिन इनकी हाई सेंसिटिविटी, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, स्मूथ एंड नेचुरल साउंड रिप्रोडक्शन एस्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी पे इन्हें स्टूडियो के लिए एक आइडियल चॉइस बनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो नॉइज काफी इजीली कैप्चर कर लेते हैं। तो अगर आपके घर में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में काफी नॉइज रहता हो तो आपको रिकॉर्डिंग के वक्त काफी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंसेस को अब हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे आप अच्छी क्वालिटी के हेडफोन पे या फिर मॉनिटर्स में सुने, और अगर ये वीडियो आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो एटलीस्ट ये सुनने से पहले आप अपने ईयरफोन्स लगा लें जो भी अवेलेबल हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रॉ अनएडिटेड वर्जन सुनाने वाला हूं, तो हो सकता है कि ये सिग्नल उतना लाउड ना हो। मैं जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त कोई सराउंडिंग नॉइज नहीं है, इसलिए मैं फैन ऑन करके एक रिकॉर्डिंग सैंपल आपको सुनाऊंगा। पहले सुनते हैं मेरे कंडेंसर माइक का आउटपुट और बैकग्राउंड में हल्का सा मेरे फैन का जो नॉइस है वो। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। अब ऑडियो इंटरफेस की और DAW की सेम सेटिंग यूज करके मैं रॉ आपको डायनेमिक माइक का आउटपुट सुनाऊंगा SM58, और इसे रिकॉर्ड करते वक्त भी मैं बैकग्राउंड में फैन ऑन रखूंगा। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर।
और अब सुनते हैं दोनों माइक्रोफोन के आउटपुट फैन ऑफ करके कंप्लीट साइलेंस में। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। तो फ्रेंड्स, आपने दोनों केस में देखा कि डायनेमिक माइक का आउटपुट कितना लो था। तो अब कंपेयर करने के लिए मैं डायनेमिक माइक का जो आउटपुट है बूस्ट करूंगा, सो दैट वॉल्यूम बढ़ाने के बाद उसको कंडेंसर माइक के आउटपुट के साथ इक्वल करने के बाद जो फैन का नॉइस था उसके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है और जो टोनल क्वालिटी है उसका आप एक्चुअल डिफरेंस समझ सके दोनों माइक्स के बीच। है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। सनम मंजूर है तेरा दर्द मुझे मंजूर, तेरा हर कर्ज मुझे मंजूर, जो तेरे जिक्र में हो कोई फिक्र तो है वो फिक्र मुझे मंजूर। सो फ्रेंड्स, होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। और अगर आप मेरे सेटअप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है और इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, Serendipity will follow.